हे माताजी, आपका स्वागत है इस पवित्र क्रांतिकारी कल्याण नगर में। आप साध्वी है, धर्म प्रचारक है, साथ ही साथ एक बड़े राजकीय मुत्सद्दी भी है, इस देश के पार्लियामेंट के सदस्य और सरकार के मंत्री है। महात्मा बसवेश्वर जी भी उस कालखंड में कावेरी से लेकर नर्मदा तक फैली हुई एक महान देश के प्रधानमंत्री और दंडनायक थे। उनके भी राजकीय, आध्यात्मिक, सामाजिक अंग थे, जो आप में भी है। महात्मा बसवेश्वर जी ने लिंगायत धर्म स्थापन किया, जिसका मूल तत्व था इंसान के अंदर ही परमात्मा है, इंसान के अंदर ही परमात्मा है और उसका शरीर ही मंदिर है, और उसका शरीर ही मंदिर है। शालिनी एक मिनट, कोई आकाश में फैला हुआ परमात्मा को माना नहीं, हर इंसान। महात्मा बसवेश्वर जी ने लिंगायत धर्म स्थापन किया, जिसका मूल तत्व था इंसान के अंदर ही परमात्मा है, इंसान के अंदर ही परमात्मा है और उसका शरीर ही है मंदिर है, उसका शरीर ही मंदिर है। उन्होंने आकाश में फैला हुआ परमात्मा को माना नहीं, हर इंसान के अंदर बसे हुए परमात्मा को माने। इसलिए हर इंसान समान है, इसलिए हर इंसान समान है, जाति मकर पंथ रहित है, पुरुष और पुरुष भेद रहित है। इस तत्व के आधार पे पूरा उस काल का बहुत ही जाति और समाज का और राजकर्ता का दुश्मनी और लेके हुए एक अस्पृश्य जाति का लड़के का शादी एक ब्राह्मण बच्चे के साथ करवाया। इसी समारोह का आधार पर उन्होंने विश्व का प्रथम सांसद पार्लियामेंट अनुभव मंडप का स्थापन किया। उसके सभी जाति की स्त्री और पुरुष 770 सदस्य थे, जो कि आज के संसद के सदस्यों के संख्या को तकरीबन समान है। इसीलिए सभी जाति के 32 क्रिया थे, जो पहले शिक्षित नहीं थे, बाद में अनुभव मंत्र से शिक्षित होकर महान वचनों का रचना किए। इनमें से हर एक पे 100 क्रिया हो चुके हुए। इतनी महान भूमि ने आप कमाया है माता जी, जिससे इस क्रांति ज्योति में आपका ज्योति में समाविष्ट होके बसवेश्वर जी का मना करके कृपा के नाम पे एक नया समाज का रचना करने में बड़ा सहायक होगा। पूज्य बसवलिंग पट्टदेवरु जी के निमंत्रण पे आप आए, हम सबको अपने मार्गदर्शन किया, इसलिए आपको मनपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ और शरण शरणार्थी करती हूँ। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगी, मैं लिंगा धर्म के अन्यायी हूँ और उस धर्म का प्रचार प्रचार करती हूँ। एक स्त्री के योगी के रूप में आपसे विनती करती हूँ, आप बार बार कल्याण आते रहिए और स्त्री बच्चे और समाज के निम्न वर्ग के लिए जो हम कार्य करते हैं उसके आप आशीर्वाद देते रहिए। आपको सभी तरफ से बस पवित्र बसा कल्याण तरफ से सब पार्लियामेंट तरफ से आपको शरणों शरणार्थी करते हैं। जो मैं चाहता हूँ कि मैं ये प्रक्रिया अभी और देर